हेलो दोस्तों, मैं सुजन शिंदे फ्लाइंग टर्टल के माध्यम से आज आपसे वीज़ा के जो न्यू रूल्स है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो इसके पहले जब कोविड के बाद जब थाईलैंड ओपन हुआ था तभी उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाले थे कि आपके पास प्रॉपर रिटर्न टिकट होने चाहिए या फिर वैक्सीनेशन होने चाहिए, अगर नहीं है तो RT-PCR होने चाहिए, बहुत सारे चीज़ें होनी चाहिए, या फिर SHO होटल्स होने चाहिए, आपके पास थाई वीज़ा होना चाहिए, थाई पास होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी थाईलैंड में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उनके गवर्नमेंट ने हटा दिए गए हैं। तो अभी के लिए अगर आप थाईलैंड आना चाहते हो तो कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप आ सकते हो, जैसे आपके पास एक प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो भी आप विज़िट कर लीजिए। प्लस आपके इसके पहले जब जैसे थाई पास था तो अभी आपको थाई पास की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट थाई पास आ सकते हो। वो थाई पास के साइट पे जाओ, वहाँ पे रजिस्टर करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। थाईलैंड गवर्नमेंट ने जो होटल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखे थे कि ऐसे जो होटल्स होने चाहिए वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप कौन सा भी होटल्स बुक कर सकते हो और थाईलैंड आ सकते हो। तो ओवरऑल थाईलैंड में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जो अभी रिमूव कर दिए गए हैं, तो आप अभी इजीली आ सकते हो। जैसे आप आपके पास एक पासपोर्ट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आपके पासपोर्ट के लिए सॉरी वीज़ा के लिए जो चाहिए, प्लस आपके पास एक नॉर्मल होटल के बुकिंग्स है, आप आ सकते हो। अभी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर आपके पास वैक्सीनेशन के दो डोज नहीं हैं, एक तो दो डोज कंप्लीट होने के वैक्सीन सर्टिफिकेट होने ही चाहिए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ करवा लीजिए। अगर फिर भी बाय चांस अगर नहीं है तो आप RT-PCR भी लेके आ सकते हो। तो ये सारे चीज़ें अभी के लिए है, तो आइए थाईलैंड और एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे थाईलैंड की पूरी सीरीज़ अपलोड हो रही है, वो आप विज़िट कीजिए। प्लस दुबई की सीरीज़ है, गोवा की सीरीज़ है, इंडियन जो प्लेसेस है उनकी सीरीज़ है, आप वो विज़िट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग मलेशिया के लिए जा रहे हैं तो उसकी सीरीज़ भी आ जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। प्लस अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो थाईलैंड के बारे में या फिर किसी भी वीडियो के बारे में, तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं 100% दूंगा उसको कमेंट्स को आपको फीडबैक देने की। थैंक यू।